हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी डॉट कॉम पर। आज के इस वीडियो में हम 12th एग्रीकल्चर का जो थर्ड चैप्टर है उसका जो सबसे आखिरी जो कीट उसमें वर्णित है उसको हम पढ़ने वाले हैं, और वो है अनार की तितली, पोम ग्रेनेट बटरफ्लाई। अनार और कुछ उससे संबंधित जो फल है, जैसे अमरूद है, बहुत सारे नींबू वर्गीय जो फल होते हैं, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, इन पर, इसके अलावा सेब, एप्पल जो है, इन पर ये कीट लगता है और इन फसलों को ये प्रभावित करता है, और इसका नाम है अनार की तितली, पोम ग्रेनेट बटरफ्लाई। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका याद करना है वैज्ञानिक नाम। अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम है ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स, ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स या ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स, ऐसे याद करना है। ठीक है, साथ ही आपको कई बार बुक्स में इसके साथ वीरा कोला भी लिखा होगा, वीरा कोला, ड्यूडोरिक्स वीरा कोला आइसोक्रेट्स। तो देखो, एक नियम होता है द्विनाम पद्धति का, और ये नियम ये कहता है कि अगर वंश का या जाति का नाम बदल दिया जाता है तो बाद में उसे कुछ समय तक ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो यहाँ जो ब्रैकेट में नाम है वास्तव में वंश का रूपांतरित नाम है, तो दोनों ही वंश के नाम सही है। आप ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स भी बोल सकते हो या वीरा कोला आइसोक्रेट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट में इसका जो रूपांतरित नाम है, बदला हुआ नाम है, वो लिखा जाता है। तो वीरा कोला आइसोक्रेट्स कह सकते हो या ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स, ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स या वीरा कोला आइसोक्रेट्स। ठीक है, इसका गण चूंकि तितली है, बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई और मॉथ जो है वो कौन से गण में आते हैं, लेपिडोप्टेरा में ही आते हैं। तो इसका गण कौन सा होगा, लेपिडोप्टेरा, तितली है तो लेपिडोप्टेरा में ही होगी। इसका कुल है लाइकेनिडी, इसका कुल कौन सा है, लाइकेनिडीज का कुल या फैमिली है। ठीक है, इस जो तितली है, ये जो अनार की तितली है, इससे कौन कौन सी क्षति होती है, हमारे एग्रीकल्चर में इसका क्या महत्व है वो आप समझिए। ये जो कीट है, ये अनार की तितली जो है वो बहुभक्षी होती है। कैसी होती है, बहुभक्षी, पॉलीफेगस होती है। पॉलीफेगस यानी सब कुछ खाने वाली, बहुत ज़्यादा, यानी कि किसी एक फसल को नुकसान नहीं करती बल्कि कई सारी फसलों को ये नुकसान करती है। जैसे ये सेब, अनार, अमरूद और नींबू वर्गीय, यानी कि जैसे संतरा है, मौसमी है, इनको भी ये नुकसान करता है। ये जो अनार की तितली है, इसकी कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, तो इसकी जो लटे जो है, इसका जो लार्वा कह सकते हो या जो कैटरपिलर है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है हमारी फसल को, और फसल में लगभग 40 से 90% तक इस तितली से नुकसान हो सकता है। इसकी जो लटे हैं वो फलों के भीतर घुसकर, अनार के भीतर या सेब के भीतर घुसकर, अंदर का जो भाग है, उसका जो गुदेदार भाग है, उसका जो रसदार भाग है अनार का, अनार के जो दाने हैं उन्हें ये खाते हैं। और साथ ही साथ एक और समस्या इसके साथ ये है कि वो, आप जैसे चित्र में भी देख रहे हो, अनार में एक या दो छिद्र ये कर देते हैं और उससे भीतर घुसकर लगातार अनार के दानों को खाते रहते हैं। और साथ ही साथ अब चूंकि उसमें छेद हो गए, तो उससे क्या होता है कि उस अनार के भीतर फंगस, कवक और लग जाती है, और उस कवक की वजह से अनार जो है अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, और उससे हमारी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है। वो 40 से 90% तक फसल को ये नुकसान कर सकता है। इस कीट का, अनार की तितली जो है, इसका असर पूरे, लगभग पूरे भारत में इसका प्रकोप देखने को मिलता है, और वर्ष भर इसका प्रकोप देखने को मिलता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अनार की तितली का जीवन चक्र। देखिए, किसी भी कीट का अगर आपको जीवन चक्र पढ़ना है तो आप इस तरह चक्र के रूप में बनाकर उसकी अवस्थाओं को समझें तो बहुत आसान होगा उसे समझने में। चलो बात करते हैं हम अनार की तितली की। अनार की तितली या जितनी भी तितलियां या मौत होते हैं उनके जीवन चक्र में चार अवस्थाएं होती है, वयस्क, अंडा, लार्वा और प्यूपा। वयस्क एडल्ट्स, अंडे, एग, लार्वा, इनके लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, कैटरपिलर और प्यूपा अवस्था, इन चार अवस्थाओं में इनका जीवन चक्र पूर्ण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वयस्क की। इनके जो वयस्क है वो कैसे नजर आते हैं, आप कैसे पहचानोगे कि ये जो तितली है वो अनार की तितली कहलाती है, उसके पहचान के लक्षण आपको मालूम होने चाहिए। देखो, वयस्क जो होते हैं अनार की तितली के, उसमें जो नर जो होता है वो नीले रंग का, चमकदार नीले रंग का होता है,
जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हो, आपको उधर जो आपको जो चित्र दिख रहा है नीले रंग का जो दिख रहा है वो उसका नर है। उसके जो पंख होते हैं वो नीले चमकदार होते हैं और पंखों का विस्तार लगभग 40 से 50 mm तक इनका होता है। पंख जो है वो फैले हुए होते हैं, कितने उनको अगर फैलाकर आप नापो तो लगभग 40 से 50 mm तक उनका विस्तार होता है। इनकी जो मादा होती है, जैसा आप चित्र में देख रहे हो, इनकी जो मादा होती है वो भूरे रंग की होती है। तो नर नीले रंग का होता है, मादा जो है भूरे रंग की होती है और पंखों का विस्तार लगभग 40 से 50 mm होता है। मादा का जो पंखों का विस्तार है वो ज़्यादा होता है, नर का थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये तो वयस्क की बात हुई, आप वयस्क को देखकर इस तरह पहचान सकते हो। इनमें जो मादाएं जो होती है वो लगभग वर्ष भर जो है वो अंडे देती रहती है। अंडे देती कहाँ है, ये ज़्यादातर अनार का जो पेड़ होता है उसमें अनार के जो फल होते हैं, उस अनार का फल जब लगने वाला है उस समय, बिल्कुल जब कच्चा फल है उस समय, या उससे पहले फूल जो होता है अनार का, उस अनार के पुष्प का जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल, दल पुमंग जायांग होते हैं ना, तो सबसे बाहर वाला जो भाग होता है हरे रंग का बाह्य दल, वहाँ मादाएं जो है वो अंडे देकर चली जाती है, वहाँ चिपका कर चली जाती है। और इनके अंडे जो है वो चमकीले सफ़ेद रंग के होते हैं, दानेदार चमकीले सफ़ेद रंग के अंडाकार आकृति के होते हैं। और वो लग कहाँ रहे हैं, ये देके कहाँ जा रही है मादाएं, वो कच्चे फल पर देके जाती है या पुष्प के बाह्य दल पर, पुष्प के बाह्य दल पर या जो छोटे फल है उन पर ये अंडे मादाएं देकर चली जाती है। अंडे जो है वो लगभग 7 से 10 दिन के अंदर, अंडे जो है लगभग 7 से 10 दिन के भीतर ये बदल जाते हैं लार्वा में, कैटरपिलर में बदल जाते हैं। इनका लार्वा कैसा होता है, इनका जो पूर्ण विकसित लार्वा अगर देखा जाए तो वो लगभग 17 से 20 mm तक का इनका लार्वा होता है, जो गहरे भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। और उन पर जो है पूरे शरीर पर, उसके लार्वा जो आप जैसे चित्र में देख रहे हो, इसके शरीर पर जो है बहुत सारे, पूरे शरीर पर बहुत सारे छोटे 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 रोम पाए जाते हैं, बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है। और बीच बीच में कहीं इनके शरीर पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं और इससे आप उस लट को पहचान सकते हो, किस रंग की, भूरे रंग की होगी, उन पर रोम पाए जाएंगे पूरे शरीर पर, सफ़ेद रंग के कहीं कहीं धब्बे पाए जाएंगे, उससे आप इसे पहचान सकते हो। ये जो इनका लार्वा है वो लार्वा क्या करेगा, लगभग 18 से 47 दिन तक जो है लार्वा अवस्था में रहता है, 4 से 5 बार मोल्टिंग करता है, यानी कि अपनी त्वचा को छोड़ता है। और इस बीच में अनार जो है उस अनार के भीतर छेद करके अंदर चला जाता है और अंदर का जो गुदेदार भाग है, जो रसदार भाग है, जो अनार के दाने हम जिसे कह रहे हैं, उसे ये लगातार खाता रहता है और अपने आकार में वृद्धि करता रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो घातक, फसल को नुकसान करने वाली जो अवस्था होती है वो ये लार्वा ही होती है। ठीक है, तो लार्वा जो है वो अनार के भीतर प्रवेश कर उनमें छेद कर, कई बार ऐसा है कि एक ही अनार में 4 या 4 से ज़्यादा लटे भी अंदर घुसी रहती है और उन अनार के दानों को खाती रहती है, जिससे क्या होगा, अनार जो है वो खोखला हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसमें कवक का प्रकोप भी साथ के साथ देखने को मिल जाता है। अब ये जो लार्वा है, जब लगभग 18 से 47 दिन, बिल्कुल इसका कोई निश्चित समय नहीं है, ये बहुत लंबा समय भी लेते हैं तो कुछ कम समय में भी विकसित हो जाते हैं, इसलिए इनमें अतिव्यापी पीढ़ियां मिलती हैं। एक साल में ही इनकी 4 के आसपास अतिव्यापी पीढ़ियां, अतिव्यापी यानी कि जरूरी नहीं है कि वो कौन से मौसम में हो, कभी वो मई के जून में भी, मई में विकसित हो जाए, कभी मई से पहले विकसित हो जाए, तो इनका कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए लंबा टाइम दिया गया 18 से 47 दिन के भीतर कभी भी ये लार्वा से प्यूपा में बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब जब लार्वा अच्छी तरीके से पूर्ण विकसित जब हो जाएगा, तो पूर्ण विकसित होने के बाद जो अनार का जो भाग है, अनार के ही डंठल के ऊपर जो है उसका जो फल है, उसका जो डंठल भाग है, वहीं पर ये प्यूपा अवस्था में बदल जाता है, वहाँ लटके हुए प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। इसलिए मैंने इसका आकार भी देखो कुछ इसी तरह का बनाया है। लार्वा अपने चारों ओर एक कवच बना लेता है और कवच के भीतर जो है अपने आप को सुरक्षित रखता है, उसी अवस्था को प्यूपा नाम दिया जाता है, निष्क्रिय अवस्था है। इस अवस्था में ये जो अनार की तितली है लगभग 7 से 34 दिन तक रहती है,
प्यूपा अवस्था में ये 7 से 34 दिन तक रहती है और उसके बाद में उस कवच को तोड़कर वयस्क जो है बाहर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनका जीवन चक्र पूर्ण होता है। वयस्क, वयस्क से अंडा, अंडे से लार्वा और लार्वा से प्यूपा। यहाँ सबसे ज़्यादा जो घातक अवस्था जैसे हमने जीवन चक्र में देखी कौन सी है, लार्वा अवस्था है। कौन सी अवस्था है, लार्वा अवस्था है। अब बात करते हैं अनार की तितली का प्रबंधन। तो अगर आपकी फसल पर, अगर घरेलू हम अनार के फलों की बात करें, अगर आपके घर में एक या दो अनार है तब कुछ साधारण उपाय किए जा सकते हैं। अगर हम अनार की फसल कर रहे हैं, कई सारे अनार के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, तो हम उस पर किसी तरह के रासायनिक उपचार कर सकते हैं। साधारण जो इसके सामान्य इसके जो इलाज है वो सबसे पहला तो ये है कि अगर फल ग्रसित हो गया है, उसमें किसी तरह के लट का प्रकोप है, तो उस फल को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए, गहरे गड्ढे में उसे गाड़ देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ताकि उसका प्रकोप आगे ना हो और किसी फल पर नहीं हो। दूसरा, परिपक्व जो फल है, जो परिपक्व हो रहे हैं शुरुआती अवस्था में, उसे चारों तरफ से कपड़े से ढक देना बहुत बढ़िया रहता है। अधिकांश आपने घरों में देखा होगा कि घरों में या तो पपीता आपने देखा होगा या जो अनार है उसको कपड़े से चारों तरफ से ढक रखा होता है। वो ढकने का बहुत अच्छा फ़ायदा यह है कि ये जो अनार की तितली, जैसा हमने जीवन चक्र में देखा कि अनार की जो तितली है वो कच्चे फलों पर या पुष्पों के ऊपर क्या करती है, अंडे देकर चली जाती है। अगर आप उसे कवर कर दोगे, कपड़े से ढक दोगे, तो वहाँ वो अंडे नहीं दे पाएगी। अंडे नहीं देगी तो लट उसकी बनेगी नहीं और लट अनार के भीतर नहीं जाएगी। तो बहुत अच्छा उपाय है कि आप जो है फलों को परिपक्व होने से पूर्व ही कपड़े से ढक दें, बांधें। ठीक है, तो दो सामान्य उपाय है जो आप अपने घरेलू अनार के वृक्षों पर भी कर सकते हैं या अपनी फसल पर भी इस तरीके से आप कर सकते हो। ये तो इसके सामान्य उपाय हैं। रासायनिक रूप से हम अगर उसका उपाय देखा जाए तो आपको दो रसायन याद रखने हैं, डाइमिथोएट और क्यूनालफोस। डाइमिथोएट 30 EC और क्यूनालफोस 25 EC का आपको प्रयोग करना है और आपको 2 ml 1 लीटर जल में घोलकर, किस किस की बात कर रहे हैं, डाइमिथोएट 30 EC और क्यूनालफोस 25 EC, इसका 2 ml आपको लेना है 1 लीटर जल में। इसे अगर आपको 10 लीटर में लेना है तो ये कितना हो जाएगा, 20 ml 10 लीटर में, इसी मात्रा में आपको घोलना है और घोलकर इसका वृक्ष के ऊपर, अनार के जो पेड़ हैं उनके ऊपर छिड़काव कर दोगे तो आपको जो है इस अनार की तितली के प्रकोप से आपकी फसल जो है बच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस तरह अनार की तितली पढ़ी। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें।